हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आई होप ऑल आर डूइंग वेल सो फ्रेंड्स आई एम नेहा सेठी एंड वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी फ्रेंड्स आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया शेयर के बारे में कि फ्रेंड्स इसमें कोई हमें अच्छी मूवमेंट अभी क्यों नहीं दिख रही है ये कंसोलिडेशन जोन में ही क्यों मूव कर रहा है इसके आने वाले सालों में टारगेट्स क्या होंगे और इसने पिछला बोनस कब दिया था और क्या ये आगे फ्यूचर में भी एक अच्छा बोनस दे सकता है या नहीं तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर चैनल को किया है फर्स्ट टाइम विजिट तो फ्रेंड्स चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब तो फ्रेंड्स शेयर का नेम है वोडाफोन करेंट प्राइस चल रहा है टेन पॉइंट वन वन लास्ट सेशन में इसमें जीरो पॉइंट फाइव नाइन परसेंट की गिरावट देखी गई फ्रेंड्स ये गिरावट क्यों हो रही है और इस वीडियो में बोनस की बात भी करेंगे मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स ये शेयर एक मिड कैप शेयर है कभी भी शेयर में लोअर सर्किट या अपर सर्किट नहीं देखने को मिलता इस शेयर में हमेशा ही ट्रेडिंग ऑन रहती है ये ट्रेडिंग में एक प्राइस में मूवमेंट करता ही आपको दिखेगा लोअर सर्किट और अपर सर्किट दिखने के चांसेस बहुत कम है इस शेयर में फ्रेंड्स रिटर्न की बात करूं तो लास्ट फाइव डेज में रिटर्न नेगेटिव में दिया है माइनस वन पॉइंट नाइन फोर परसेंट लास्ट वन मंथ में जो रिटर्न दिया है वो भी नेगेटिव में है माइनस टू परसेंट अभी ये शेयर फ्रेंड्स एक कंसोलिडेशन जोन में मूवमेंट कर रहा है आगे इस वीडियो में टारगेट्स भी डिस्कस करेंगे वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज एंड में मैं आपको इसके एक टारगेट बताऊंगी तो फ्रेंड्स होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग्स काफी अच्छी है 72 टू परसेंट प्रोमोटर्स होल्डिंग है तो फ्रेंड्स प्रोमोटर्स को इस शेयर पे ट्रस्ट है कि एक फ्यूचर का मल्टी बैगर बनेगा फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं इस शेयर में एफ की एंट्री भी है एंड डी की एंट्री भी है तो जो एफ आई आई की एंट्री है वो है फोर पॉइंट टू परसेंट एंड डी आई आई की एंट्री है एंड एंट्री है ट्वेंटी कर लेते हैं इस शेयर ने जो अपना फिफ्टी टू वीक हाई बनाया था वो था सिक्सटीन पॉइंट सेवन नाइन तो अकॉर्डिंग अभी ये टेन के आसपास घूम रहा है तो ये अपने फिफ्टी टू वीक हाई को कब तोड़ेगा वो भी जरूर डिस्कस करेंगे एंड फिफ्टी टू वीक लो बनाया है इसने फोर रुपीज फिफ्टी फाइव पैसे का लास्ट सेशन में एक अच्छी क्वांटिटी ट्रेड हुई, हुई है और जो डिलीवरी होल्डिंग है है को कंपेयर करूँ लास्ट वन ईयर में वो भी थोड़ी सी बड़ी प्रोमोटर्स इस शेयर में इंटरेस्टेड हैं वन ईयर में शेयर ने रिटर्न दिया है टेन परसेंट अपने इन्वेस्टर्स को अगर मंडे को गैप ओपनिंग होती है मार्केट तो इस शेयर में चांसेस हैं कि इस शेयर भी ग्रीन में दिखेगा फ्रेंड्स सबसे मेन न्यूज है कि आपको पता है 5G लॉन्च होने वाला है तो फ्रेंड्स अगर 5G लॉन्च हो जाता है जितनी जल्दी से जल्दी तो आपको ये शेयर फिफ्टी रुपीज क्रॉस करता आराम से दिखने वाला है शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग इस शेयर में एंट्री मत लीजिए हम इस शेयर में लॉन्ग टर्म के व्यू के अकॉर्डिंग एंट्री लेंगे तो आपको फिफ्टी रुपीज तो आराम से जल्दी से ही क्रॉस होता दिखेगा अब मैं आपकी बोनस की बात कर लूँ तो फ्रेंड्स इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को बोनस पे दिया था और वो दिया था फर्स्ट जून टू में तो फ्रेंड्स अगर फ्यूचर में ये कंपनी प्रॉफिट में होती है तो ये दोबारा से बोनस भी दे सकता है अपने इन्वेस्टर्स को बिकॉज इसने पास्ट में भी दिया था तो फ्रेंड्स इस शेयर का ओवरव्यू भी यही था न्यूज़ फाइव के बेस में जैसे ही आती है वैसे ही फिफ्टी क्रॉस करता आराम से दिखेगा तो लॉन्ग टर्म के व्यू पे इस शेयर में एंट्री ज़रूर लीजिए और फ्रेंड्स अगर चैनल को किया है फर्स्ट टाइम विजिट तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब बेल बटन को कर दीजिए प्रेस बिकॉज कोई भी न्यूज़ या अपडेट आती है तो मैं दोबारा वीडियो के थ्रू जरूर बनाऊंगी एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस शेयर और विद एनी अदर शेयर यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स एंड फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट